और यहाँ पर आप देख रहे हैं जीता जागता कोरोना यहाँ पर मौजूद है। तो ये बताइए भारत में क्यों आए आप? सर लोग जागरूक नहीं थे, मास्क नहीं पहनते थे, तो इस वजह से हमें आना पड़ा। लोग अपने स्वास्थ्य, अब तो वैक्सीनेशन आ गई है, अब तो जाओगे तुम? बिल्कुल भागना पड़ेगा सर, अब तो। अब कहाँ जाने का इरादा है? अब दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं सर। दुनिया को छोड़ के जाओगे? बिल्कुल। देखिए कोरोना भी घुटना टेक गया है भारत के सामने, क्योंकि भारत के जो वीर है, जो सुपुत्र है, भारत का ज्ञान विज्ञान है सबसे ऊपर है। नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत देश है पिछले एक वर्षों से कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, और आखिरकार कोरोना के ऊपर काफी हद तक जो हमारा भारत है उसने जीत हासिल की। जो लोग मजाक मनाने का काम कर रहे थे कि अरे जो भारत है वो तो छुट्टी मना रहा है, लॉकडाउन के मजे ले रहा है, पिकनिक मना रहा है, उन लोगों को आज शर्मिंदगी कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। और काफी जो देश भी थे उसे भी जो हमारा भारत वर्ष है आज वैक्सीनेशन सप्लाई कर रहा है। इसी को बताने के लिए और दिखाने के लिए आज हम मौजूद हैं पानीपत शिवाजी स्टेडियम पर, जहां पर राष्ट्र पर्व 26 जनवरी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इस बार एक ऐसी झांकी इस पूरे परेड में शामिल की गई जिसे कोविड जो झांकी का नाम भी दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जीता जागता कोरोना यहाँ पर मौजूद है, तो ये कहीं ना कहीं एक हंसी का भी पात्र बन चुके हैं, क्योंकि लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह है देखने के लिए कि आखिर कोरोना कैसा दिखता है। तो ये बताइए भारत में क्यों आए आप? सर लोग जागरूक नहीं थे, मास्क नहीं पहनते थे, तो इस वजह से हमें आना पड़ा। लोग अपने स्वास्थ्य, अब तो वैक्सीनेशन आ गई है, अब तो जाओगे तुम? बिल्कुल भागना पड़ेगा सर, अब तो। अब कहाँ जाने का इरादा है? अब दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं सर। दुनिया को छोड़ के जाओगे? बिल्कुल। देखिए कोरोना भी घुटना टेक गया है भारत के सामने, क्योंकि भारत के जो वीर है, जो सुपुत्र है, भारत का ज्ञान विज्ञान है सबसे ऊपर है। और यहाँ पर हमारे कुछ अतिथि भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की मेहनत करनी पड़ी, क्या कुछ कठिनाइयां आई इस पूरे जंग को जीतने के लिए। तो ये बताइए सर, आज हमारा भारत है उसने सबसे पहले वैक्सीन को तैयार कर लिया है और काफी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वैक्सीनेशन लगाया भी जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि अरे ये वैक्सीन लगवाएंगे तो हम मर जाएंगे, इस तरीके की जो अफवाह फैला रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि भारत की बनी हुई वैक्सीन है कोविशील्ड के नाम से हमारे पास उपलब्ध है और स्वास्थ्य कर्मियों को देनी शुरू कर दी है। अब तक जो है 2700 से ज़्यादा लोगों को पानीपत जिले में हेल्थ कर्मियों को वैक्सीन दे दी गई है, और पहले दिन 16 तारीख से ही हमने शुरू की और हमने खुद से भी शुरुआत की, और ये बताने के लिए कि ये वैक्सीन एकदम से सुरक्षित है, सेफ है, और इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें कोरोना वायरस जो खतरनाक बीमारी है उससे ये बचाएगी। बिल्कुल, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, ये वैक्सीनेशन अभी आम लोगों के लिए नहीं आई है, तो आम लोगों के लिए कब तक ये पूरी वैक्सीन आ जाएगी और पूरे भारत में कब तक टीकाकरण का प्रक्रिया है पूरा हो जाएगा? लगभग 6 महीने में पूरे भारत का टीकाकरण प्रक्रिया हो जाएगी पूरी। अभी हेल्थ स्टाफ को लगाई गई है, इससे नेक्स्ट जो है जो पुलिसकर्मी हैं और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको लगाई जाएगी नेक्स्ट मंथ से। बिल्कुल, अब हम आपसे भी जानना चाहेंगे, ये बताइए अब तक जो हमारे सबसे पहले पानीपत में पूनम देवी को ये टीका लगाया गया जो सफाई कर्मी है, तो ये एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया गया लोगों को, लेकिन कुछ लोग हैं जो डर रहे हैं कि नहीं हम नहीं लगवाएंगे, नुकसान होगा, उन लोगों को क्या कहोगे? देखिए जो हमारा स्वदेशी टीका है वो पूर्णतः सुरक्षित है, इससे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। पानीपत के अंदर लगभग 2700 लोगों को ये टीका लगाया गया है, अभी तक किसी को भी कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही हमारे यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए युवा है, युवा काफ़ी ज़्यादा जागरूक है इस टीके को लेकर, और वो काफ़ी जो बढ़ावा भी दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, कह रहे हैं कि टीके को लगवाइए। तो टीके को लगवाने के बाद क्या कुछ प्रक्रिया होती है, कब तक जो पूरी तरह से हम कोरोना से जंग जीत लेंगे? देखिए पहला टीका लगने के बाद 28 दिन के बाद दूसरा टीका लगेगा, और उसके भी 14 दिन के बाद हम मानते हैं कि लगभग 2 महीने के अंदर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज आनी शुरू हो जाएगी। और टीका मैंने भी लगवाया है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल, कुछ लोग कह रहे हैं कि हल्का फुल्का सिर दर्द बुखार जैसी समस्या जरूर आती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ, नहीं कोई हल्का बुखार नहीं हुआ, कोई सिर दर्द नहीं हुआ। बस जब टीका लगता है, जैसे बच्चे को वैक्सीनेशन होता है इसी तरह बड़ों को वैक्सीनेशन होना है। एक बार जैसे टीका लगने का हल्का सा सुई चुभती है वो दर्द होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या ये आम जो इंजेक्शन लगाया जाता है उससे अलग है, या बिल्कुल उसी प्रकार से जो टीका हम आम टीके लगवाते हैं उसी तरीके से ये भी टीका लगाया जाता है? जैसे पहले कोई भी प्रतिरोधक हम इंजेक्शन लगाते रहे हैं, बच्चों में लगाते रहे हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से ये इंजेक्शन है। और इसमें जैसे आपने अभी भी जिक्र किया, माइनर एलिमेंट्स के अलावा थोड़ा सा हल्का बुखार और शरीर में जकड़न के अलावा कोई सिम्टम नहीं आ रहे। बल्कि अब तो क्या हो गया कि अब लोग आगे आ रहे हैं कि हमें पहले लगाओ, जो डर रहे थे पिछले 2-3 दिनों में फीडबैक ये आ रहा है कि हमें पहले लगाओ, लगातार लोग तैयार बैठे हैं कि हम उत्साहित हैं
कि हमें जल्दी लगाओ ताकि हम कोरोना मुक्त होके बिल्कुल जैसा आप जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है और यहाँ पर काफी ज्यादा हमारे युवा भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए आप लोग इस टीके के बारे में क्या जानते हैं, किस प्रकार से सुरक्षित है ये टीका? सर ये कोरोना से बचाएगा, हमें कोरोना से बचाएगा। देखिए और भी हमारे जो यहाँ पर इस स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम है तो उनसे भी जानेंगे। सर ये बताइए क्या संदेश देना चाहेंगे जो हरियाणा प्रदेश के वासी पूरे भारत के हमारे भाई देख रहे हैं उनको? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना का टीका जो है बहुत सुरक्षित है और ये भारत में निर्मित है और ये दोनों स्ट्रेन में ही काम कर रहा है, लेकिन टीका लगने के बाद भी आपको मास्क, उचित दूरी और अपने हैंड वॉशिंग में सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहना है जब तक आपको दूसरा टीका ना लग जाए। उसके भी कुछ दिनों बाद ही एंटीबॉडी बनती है, तो तब तक वो पूरा परहेज रखें जैसे अभी कर रहे हैं वैसे ही बाद में भी परहेज। बिल्कुल, देखा आप सबने जो कोरोना वैक्सीन है पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन अभी लोगों को जो मास्क है उसका प्रयोग करना ही पड़ेगा, हाथों को हैंड वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से भारत है जो कोरोना वैक्सीन पर जो जीत नहीं हासिल कर सका है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर, 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए।